है वो फूड सेंटर जो कोई छोटा मोटा फूड सेंटर नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। और मशहूर बीफ और पोटैटो जो इनका पुलाव है आलू और बीफ के साथ, वो हम टेस्ट करेंगे। दिस इज रियली गुड। मुझे फील आ रही है कि मैं घर में बैठ के पुलाव खा रही हूँ। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नादिया सिद्दीकी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसी जगह जहां मैं आपको देने वाली हूं ज़बरदस्त सा फूड रिव्यू। मैं मौजूद हूं इसका महबूब फूड सेंटर में, जो कि मौजूद है सोल्जर बाज़ार कराची में, सदर में है। और यहां का मशहूर जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहां पर डिफरेंट किस्म के पुलाव जो है वो मशहूर हैं। और इनके पुलाव की खास बात यह है कि ये जो सादे पुलाव और सादा राइस भी हैं, राइस के बहुत सारी इनके पास चीज़ें होती हैं, लाइक आइटम्स होते हैं जिसमें वेजिटेबल राइस भी आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बीफ पुलाव, चिकन पुलाव से लेके तमाम किस्म के पुलाव और बिरयानी भी मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि यहाँ पे इनकी किस तरह से मेकिंग हो रही है और कितने इनके पास कस्टमर्स रोज़ाना आ रहे होते हैं, तो आप ये देखते जाएँ। अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनका बीफ पुलाव है आलू के साथ है, और बहुत ज़बरदस्त यू नो इसका अरोमा आ रहा है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, और मुझसे तो खैर आम जा रहा। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महबूब फूड सेंटर में, यहाँ के जो ऑनर हैं अकील अब्बास साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताएं, आपका इतना ये मशहूर है, मतलब मैं जब एंटर हुई हूँ पूरे सदर में तो कहीं से भी पूछा वो सबको पता है कि यहाँ पर महबूब फूड सेंटर एक ही है, क्या स्पेशलिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22-23 साल हो गए जिसमें यहाँ सोल्जर बाजार के एरिया में, और इससे पहले जा रहे कि खारादर की तो एक हिस्ट्री, वो तो हमारी पैदाइश से पहले से मामला चल रहा है। ओके। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी वाइज और दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत दी है, और अल्लाह ने बड़ा बेसिकली जो है वो हम लोग हैं, और ज़ाहिर है कि हमारे कस्टमर हर कम्युनिटी के हैं। ऐसा कहना यानी कि गलत होगा कि सिर्फ मतलब कोई फिक्स कम्युनिटी नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा तो यहाँ पे जो आपके लाइक जो मैंने देखा है राइस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर रखा है कि राइस आपके पास हर तरह के हैं, तो मतलब लंच आवर में आपके यहाँ रश होता है, क्या होता है, कितनी देर बन जाती है दिन भर में? तकरीबन हम अल्लाह का शुक्र है कि वीक डेज में जो है वो तकरीबन 10 से 12 देखें जो है वो हम खाने की जो है वो मिला के होता है। और इसके अलावा जा रहे कि फ्राइडे और सैटरडे को जो है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा चला जाता है। ओके। तो ये बीफ पुलाव तो खैर आप, अच्छा बीफ पुलाव में मैंने देखे आलू भी हैं, तो आलू की कोई ख़ास बात है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आलू पुलाव में पसंद नहीं करते, ये डिफेंड करने के लिए आपको था जब तक महबूब का पुलाव नहीं था, लेकिन जाहिर है कि लोग महबूब का पुलाव आने के बाद। अच्छा, महबूब, महबूब नाम कैसा? महबूब मेरे बेसिकली महबूब जो है वो हमारे अंकल है। अच्छा, ओके, जाहिर के फैमिली बिजनेस है। ओके ओके, आपको बताया कि हम लोग तो उनके नाम पे ये हुआ। तो चले हम महबूब की महबूब देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। ये तो था इनका बीफ पुलाव, इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे आप मेरे कैमरा में लेकर दिखा दें तो सर आप ये बताते जाइएगा, इसके बाद फिर हम ये दिखाएंगे कि ये जो है ये बॉम्बे स्टाइल चिकन बिरयानी कहलाती है। ओके, बोनलेस है। ओके, अच्छा ये बॉक्स कितने का आ जाता है? ये हम दे रहे हैं 200 रुपीस का, 200 रुपीस में है बोनलेस जो है, हाफ के जी है। और ये पुलाव वाला जो पैकेट है ये कितने का है? पुलाव है ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा, पुलाव है ये 180 रुपीस का पैकेट है। अच्छा, ये क्या है? ये चिकन पुलाव है। चिकन पुलाव है 180 रुपीस का। ओके, ये जो है ये बीफ पुलाव का पैकेट है, ये बीफ पुलाव का देख सकते हैं, ये जबरदस्त 20 रुपीस का है। अच्छा, इसकी सर्विंग जो है वो बॉक्स में भी होती है और थैली में भी होती है। ओके, जिस तरह से अगर कॉस्ट बचाना है तो फिर ये 2 आप इस तरह से ले, अगर इसी को हम बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 240 रुपीस का, 240 रुपीस का, इनके 2 रुपीस 20 रुपीस का डिफरेंस आएगा। ये भी ये बॉक्स में इसी का, ये जो है ये वाइट बिरयानी है, ये हमने रिसेंटली स्टार्ट किया लाइक। अच्छा, ये मुझे जरा इसको ओपन, इसका बैग में है वाइट बिरयानी? जी, ये वाइट बीफ बिरयानी है। अच्छा, ये कलर नहीं है, देखिए इनका जो एक स्पेशलिटी है वो पुलाव है, तो पुलाव को पता है वाइट ही होता है, और इन्होंने इस तरह से ये रखी है, और ये बीफ सॉरी वाइट बिरयानी है, बीफ वाइट बीफ बिरयानी ज़बरदस्त। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने लाइक पुलाव बिरयानी की तो बात हो गई, जो एक हमारा जो एक कल्चर है दाल चावल का, वो दाल चावल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दाल है, और दाल की क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इसी क्वांटिटी के साथ इन्होंने राइस रखे हुए यहाँ पर।
तो सर ये कितने का मिल जाता है दाल? दाल गोश्त विद राइस, ये 180 रुपीस में हम लोग देते हैं। दाल गोश्त है जी, दाल गोश्त विद लौकी भी है इसमें। अच्छा लौकी भी है, ये बड़ा डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें मूंग और मसूर की दाल होती है। अच्छा मूंग मसूर की दाल है और इसमें जो गोश्त भी ऐड है और ये राइस है, तो ये 180 का कॉम्बिनेशन। अच्छा खोजा, जो जितनी भी खोजा कम्युनिटी है वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये आपको राइस अच्छे खासी क्वांटिटी है, दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको 180 रुपीज़ में मिल जाएगा। प्लेन दाल नहीं है, वेजिटेबल भी आपको मिलेगी इसमें, आपको बीफ भी मिलेगा, ठीक है, चिकन भी मिलेगा जो भी उसके। अच्छा एक चीज़ मैंने और सुनती कि आप लोग जो है पुलाव के साथ, जो आपके सादा पुलाव थे उसके साथ फिश या फिर कटलेट या चिकन भी रखते हैं, तो वो क्या है? ये थोड़ा सा आप अगर कवर करें। अच्छा ये हमारा कटलेट होता है, ये पुलाव के साथ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कटलेट है जी, बेसिकली तो ये कटलेट है, कटलेट जो है आलू वाले हैं ना, ये ऐसे चिकन कीमा है, इट्स बीफ का कीमा, मिंस वाला प्याज है, मिंस है, बीफ मिंस है उसका बना हुआ है, साथ में रायता रखा हुआ है। ओके ये आप समझ गए कि बीफ पुलाव के साथ जाता है। ओके इसको भी यानी कि बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा तो ये रायता अगर कोई लेता है तो ये भी सेपरेट खरीदना पड़ता है या उसके साथ? रायता सेपरेट चार्ज करते हैं, कटलेट भी सेपरेट चार्ज करते हैं। अच्छा इसकी कटलेट कितने का पड़ता है हमें? ये 50 रुपीस का एक पीस है, इसी तरह से रायता 30 रुपीस का, 80 रुपीस में आपको ये दोनों कॉम्बो मिल रहे हैं। अच्छा इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने ये मीठे चावल जो है इसको जर्दा कहते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें ये हमारी जो एक रिवायत चली आ रही है सदियों से, जर्दा रखने का ख्याल क्यों आया? लोग खीर रखते हैं, पनीर रखते हैं, तो ये जर्दे का क्या है इसके पीछे? आज आप जिस दिन पे आए हैं तो ये जर्दे का दिन है। अच्छा इनके डे जो है वो पर्टिकुलर मखसूस हुए हुए हैं कि डेज वाइज आप लोग करते हैं, तो ये जर्दा किस दिन जो है वो डेली है, जैसे दाल चावल बिरयानी पुलाव आप देख रहे हैं डेली है। इसके अलावा कुछ सालन के आइटम होते हैं वो जो है। अच्छा, वो भी यानी कि वो तो सर ये कितने का मिल जाते हैं जर्दा? ये हम 60 रुपीस का पैकेट, 60 रुपीस में आपको बना बनाया जर्दा मिल रहा है, और उसमें देख सकते हैं आप खोए की टॉपिंग के साथ मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर दिखा दें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्नैक्स भी रखे हुए, समोसे मिल जाएंगे आपको, रोल मिल जाएंगे, और ये चिकन शास्लिक स्टिक है, और ये साथ में क्या है सर? शामी कबाब रखे हैं और उसके साथ ब्रेड रोल, मिंट रोल जिसको कहा जाता है। ओके तो नाज़िम इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो इनका किचन है महबूब फूड सेंटर का, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी देगें रखी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में देख रहे हैं, और इसमें ये क्या प्रिपरेशन है? यखनी है, ये पुलाव की यखनी रेडी, पुलाव की यखनी है, ये बीफ है, बीफ है, आप इस पर देख सकते हैं ज़बरदस्त सा ये तैयार है। और यहाँ पे ये दाल है, क्या है ये? अच्छा मिर्चे, ओके मसाले, ये देख सकते हैं आप इसकी क्वांटिटी, और ये सारा यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, और देखें कि ये बड़ा सा किचन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी थोड़ी तादाद में, मतलब महबूब फूड सेंटर जो कुछ छोटा मोटा फूड सेंटर नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, और डेली जो है 800 से 1000 लोग जो है वो खाना यहाँ से ऑर्डर करते हैं। अगर आप अपनी शादी ब्याह के भी प्रोग्राम में ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। फू पांडा और डिफरेंट जो है इनके पास फूड डिलीवरी की भी यहाँ पे जो है सहूलत मौजूद है। तो नाज़िम इस वक्त देख सकते हैं कि हम महबूब फूड सेंटर पे बैठे हैं, यहाँ पे जो इनकी सारी सारा जो फूड था वो इस वक्त टेबल पे सर्व पे टेस्टिंग के लिए, और ये इतना सारा इनका है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हमने यहाँ पे अभी नहीं की हैं। सबसे पहले जो इनका मशहूर बीफ और पोटैटो जो इनका पुलाव है आलू और बीफ के साथ, वो हम टेस्ट करेंगे, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का है। जो इनका बीफ है वो काफ़ी इनके सॉफ्ट है, स्टफ्ड है, और ईजली जो है वो टूट गया है, और मैं इसको ट्राई करती हूँ। लग पा रही इट्स रियली यमी, बहुत टेम्पटिंग है, और यू नो आपको अच्छा सा फील आ रहा है, आप अच्छा लाइक इसका अरोमा बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि पुलाव और रायते के बगैर यू नो इट्स इनकम्प्लीट। तो मैं रायता तो उसे डाल के अब करती हूँ चाय इनका पुलाव, दिस इज़ रियली गुड। मुझे फील आ रही है कि मैं घर में बैठ के पुलाव खा रही हूँ, और अच्छा है। सैलड देख सकते हैं आप, सैलड यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। सैलड की भी ख़ास बात यह है कि आपको कम्प्लीट इसमें जो है ना वेज मिलेंगे। चलो ये तो हो गया हमारा पुलाव का टेस्टिंग, इसके साथ साथ यहाँ पे जो इनकी मशहूर है बिरयानी वो भी टेस्ट करने जा रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको कैसी है। और ये इनकी जो बिरयानी है वो है बोनलेस चिकन बिरयानी, और
अभी उतर में रायता थोड़ा सा फोल्ड कर लूँ और हम अभी ट्राई करने जा रहे हैं पुलिस चिकन बिरयानी क्योंकि अच्छा टेस्ट है मज़े का है और रियली टेम्पटिंग और फाइनल यमी बिरयानी अभी जो सारी चीज़ें मैं ट्राई करती जा रही हूँ आपको बताती जा रही हूँ ये तो हमारे हो गए दाल चावल फिर दाल चावल के बगैर तो फिर आपसे रहा नहीं जाता तो मैं ये ट्राई करूँगी इनके लिए ये प्लेन राइस है पुलाव स्टाइल में और जिनकी स्पेशलिटी थी दाल की वो ये है कि लाइक दाल के साथ भी इनके बीफ है और लौकी भी है यानी कि आपको वेजिटेबल और इसके साथ दाल भी है गोश्त भी है पूरा एक कॉम्बो मिल रहा है ये हम ट्राई करने जा रहे हैं चावल बहुत अच्छे खिले खिले चावल हैं और ये है दाल चावल गर्मा गर्म दिस इज रियली गुड बहुत टेस्टी है और जो दाल चावल लवर है ना वो फिर सारी चीज़ें छोड़ के दाल चावल पे आ जाएगी मेरी तरह ये तो हो गए इनके सारे लाइक जो इनके खाने थे इनकी टेस्टिंग इनके पास जो इनके साइड ऑर्डर्स हैं इनके स्नैक्स से अब हम ये करते हैं ट्राई इनका मैक रोल है फिर मैं ये ट्राई करती हूँ आप देख सकते हैं ये मैक रोल तो नाज़िर ये था हमारा आज का फूड रिव्यू अगर आप सदर में छोटे बाजार आए तो महबूब फूड सेंटर ज़रूर ट्राई करें बहुत ज़बरदस्त इनके डिलीशियस खाने होते हैं एवरी डे आप इनके जो मील ऑर्डर कर सकते हैं ओके जब तक के लगता है बहुत सारा ख्याल से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ अल्लाह हाफिज़ वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें